प्रधानमंत्री जी की जब रैली थी उससे पहले एक दिन पहले मैंने इन्हें कवर किया था, तो ये चेहरे जो आज मुरझाए हुए हैं ना, उस दिन थोड़े खिलखिला रहे थे क्योंकि उम्मीद थी कि शायद इस बार आएंगे तो ललकार रैली में कह के गए थे तो इस बार आएंगे तो वो वादा निभा देंगे जो वादा इनके साथ किया था। लेकिन जम्मू भी आए, उसके बाद श्रीनगर भी गए, बख्शी स्टेडियम में रैली हुई, लेकिन आज दोबारा इनके चेहरे जो है मुरझाए हुए हैं। 4 तारीख को आपने जो तांडव था वो सड़कों पे देखा, लेकिन अब कहीं ना कहीं बातें ये उठ रही हैं आज कल और परसों, इन 3 दिनों में मीटिंग है एलजी साहब के साथ इनकी, और ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद भी कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम के बीच अगर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो फिर इनकी जो डिमांड्स हैं वो आगे जो भी नई सरकार आएगी उनके सामने यूं की तूं बनी रहेंगी। तो होशियार जी मेरे साथ हैं। होशियार जी, पहले तो 4 तारीख को जो तांडव दिखा और अभी उसी को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया कि आपके साथ मीटिंग की जाए, अब ये मीटिंग भी जो है वो 8, 9, 10, 11 मतलब इन 3-4 दिनों में लट के जाए, एक दिन डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन वही दिन काटने की योजना बनाए रखा है? पहले तो जेके लाइन का बड़ा बड़ा धन्यवाद। रही बात 4 मार्च के कार्यक्रम की, उस तांडव की, तो आप शायद 4 मार्च का याद दिला रहे हैं, एक 17 अक्टूबर को भी हुआ था, वो उससे भी खतरनाक था। तो ये तांडव इसलिए नहीं कर रहे हम अपनी कोई पहचान बनानी है, नहीं, अपने बच्चों के लिए, तो अपने हक के लिए जो जवानी इस डिपार्टमेंट को दी है, इस डिपार्टमेंट ने और प्रशासन ने और जो सत्ताधारी पार्टियां रही हैं उन लोगों ने जो डेली वेजर का खून चूसा किया, ये उसके खिलाफ एक आक्रोश था। इन्होंने ये भी कहा है ना, पाप की घंटियां गले में बांधी हुई हैं, पाप की घंटियां बांधी इन्होंने, और घंटियां पाप बोल किसको है? शायद वो पाप की घंटी बोलने वाले बड़ी जल्दी अपनी गलती को रियलाइज करके शायद वो बात को ख़त्म कर चुके हैं। अब वो किसी का बयान ऐसा आया नहीं, अगर बयान आता किसी पार्टी का तो मेरा डेली वेजर भाई एक बार फिर तैयार है, हमें जवाब देना आता, अगर हमें काम करना आता ना, कोविड के दौरान भी अगर बड़े बड़े उच्च अधिकारी घर में बैठे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो मेरा डेली वेजर कोविड में काम कर रहा था, हमें हर बात का जवाब देना आता है, मगर किस दायरे में रह के देते हैं, वो 2 जवाब हमने कंपनी बाग बंद करके दे दिया। अगर उससे भी कड़ा कोई स्टेप है जहाँ होता है उसके लिए हमारा फ्रंट काम कर रहा, तैयारी में हम आगे की रणनीति पता करेंगे, इससे पहले बातचीत करें। मतलब मुझे ये बताएं, जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ी कोई चीज थी तो ये कहा जाता था 370 बहुत बड़ी, अगर वो हल हो सकता है तो क्या 370 से बड़ा मसला है दिल्ली में? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मसला तो नहीं है, मगर जब वादा किया था कि 370 और डेली वेजर का 370 तो इन्होंने हटा दी, हमें उम्मीद थी कि 370 अगर हट जाएगी तो हमें भी खुशी होगी, चलो हमारा भी कुछ बनेगा, कोई मिनिमम बेसिस है, जो आज दिल्ली जुटी वो वही बेनिफिट मिलेगा। मगर प्रधानमंत्री जी इधर आकर बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, 2014 में भी की थी जहाँ पे स्टेडियम पे, अभी भी आए थे 20 को, उम्मीद हमने बहुत लगाई थी मगर दिया कुछ नहीं, खाली हाथ हमें अभी इधर छोड़ दिया नारेबाजी करने के लिए। अगर नहीं होता मसला तो आगे देखो, हम भी तैयार हैं, अगर 600 तो 26 दिन हो गए हैं, इतने और भी लगेंगे तो हमें तो अपना जो प्रदर्शन है ये पीछे नहीं करना है, लगातार करते रहेंगे हम। शाह जी, क्योंकि अब जिस तरह ये बातें चल रही हैं, आजकल अगर आपकी मीटिंग होती है तो ठीक है, अन्यथा अगर होती भी है तो उसमें भी अगर टाइम लिया जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, सारे धरने प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे। ये प्रशासन कोड ऑफ कंडक्ट में भी पानी पीजिएगा, ये कोड ऑफ कंडक्ट में मेरा डेली वेजर काम करेगा तो करता भी रहता है, हर बार कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, हमारी डिमांड की कोई बंदिश नहीं है, फिर कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगातार अभी ये आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, कोर्ट ऑफ कंडक्ट में भी हम लोग खाना खाएंगे, स्कूल की फीस देंगे, दवाइयां खाएंगे, वो सारा काम कोर्ट ऑफ कंडक्ट में ही चलता है। आपके माध्यम से प्रशासन को मैं ये बता देता हूँ, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है कोर्ट ऑफ कंडक्ट की, फ्रंट की कॉल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कोर्ट ऑफ कंडक्ट से, अगर किसी को लगता है फिर कोर्ट ऑफ कंडक्ट से ये लोग बैठ जाएंगे शांत, ऐसा होने वाला नहीं। आपका ये कहना है कि जो ट्रेलर कंपनी बाग जैसा ट्रेलर
आगे दोबारा आ सकता है, लेकिन कोर्ट के बीच ही आ जाएगा, बीच भी आ जाएगा, बीच आ जाएगा, लेकिन उसमें बीच आम जनता जो है वो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, जो लगातार हमारे लोगों का खून पी रहा है 30 साल से, वो प्रशासन की जिम्मेवारी है, वो संभाले आम जनता को, वो देखे, उसकी जिम्मेवारी बनती है प्रशासन की कि आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही डेली वेजर को परेशानी होनी चाहिए। जिस लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी जुबानी दे दी, अपने घर परिवार तबाह कर दिए, उसको क्या मसला, पानी चला रहा है वो अपना हक हक के लिए रो रहा है। मतलब फ्रंट की क्या क्या अब चर्चा क्या चल रही है, अगर मतलब ये एक दो मिनटों में फैसला नहीं आता तो आगे क्या रणनीति है? मैंने शहर शहर में बता दिया आपको, फ्रंट तैयार है नई रणनीति के तहत, नई लड़ाई के लिए। मतलब ये तो फिर हो गया ना, जैसे 3 कानून थे, कृषि कानून, वो लंबा संघर्ष चला था, तो आपका भी अब लगभग वो भी 1-1.5 साल चला था, तो अब ये भी यहाँ 2 सालों से अधिक का समय हो गया। मैं कृषि कानून से अपनी तुलना नहीं कर सकता, नहीं, वो संघर्ष मतलब किसानों का संघर्ष, तो वही संघर्ष आप भी यही लोग कर रहे हो, आज 630 दिन के आसपास समय हो चुका है। उसमें और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। ये 9,000 रुपया लेने वाले लोग हैं, इनका अपना कुछ दायरा है, उसके बाहर ये जा नहीं सकते, मगर दायरा जितना सख्त और स्ट्रांग है वो आप लोगों ने देखा, 2 कंपनी बाग तो एक दफा सेक्रेटरीट का घेराव। हमें लोगों ने पहले प्रण की है, पॉलिसी पे लड़ाई है हमारी, पेंडिंग पे लड़ाई है हमारी, इसके अलावा कोई राजनीति सत्ता से हमारा लेना देना है नहीं, ना करना चाहते। प्रशासन ने हमारी आईडी भी लेके रखी है, फोन नंबर प्रशासन के पास है, सारियां वेरिफिकेशन हुई हैं, हमारा किसी की पार्टी के साथ शायद दूर दूर तक कोई वास्ता है नहीं किसी भी मेंबर का, ना कोई सत्ता में इसमें जाने वाला है राजनीति में। हम अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं, प्रशासन आज लोग सस्पेंड कर दे तो आज हमारा बोरी बिस्तरा गोल हम घर में चले जाएंगे, हमको क्या लेना देना। ये प्रशासन ने मजबूर किया, मैं इस प्रशासन की बात नहीं कर रहा, लगातार 30 साल से जितने भी प्रशासन के जितनी सरकारें आई उन लोगों ने मजबूर किया, कभी ना कभी ये पाप का गड़ा फटना था, वो 620 दिन पहले फटा, आज 626 दिन से लगातार वो अपना जहर उसका निकल रहा है। ये वो गड़ा है जिसके साथ बहुत बेइंसाफी हुई है, जिन लोगों ने अपनी पूरी जवानी डिपार्टमेंट को दे दी उन लोगों को आधार कार्ड दिखाया जाता है, खाली हाथ घर भेजा जाता है, खाली हाथ जाने का मतलब ये है। डोडा में एक युवक जो था, एक व्यक्ति था जिसे रिटायर करने के घर भेजा गया, उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त, बिल्कुल उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। ऐसे कई मेरे डेली वेजर भाई हैं जो खाली हाथ घर में जाते हैं, अगर तो कोई उनको टाइम से संभाल लेता है घर परिवार वाला, कहीं उनको एक बार 3 ताना मीना हो गया, आप लाए गया हो 30 साल से, उसके पास इसके अलावा मरने के अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं रहता। मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर आपके मीडिया, पहले एक बात सुन लो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस डिवीजन से वो मेरा रेली मेजर भाई कहीं भी कहीं से भी रिटायर होके जाता है, उस समय उस DDO एक्शन की जिम्मेवारी बनती है, उसका पेंडिंग जो 70 साल का है, 70 महीने का पेंडिंग है उसका, कम से कम उसके हाथ में उसने वो चेक जरूर थमाए, उसको फिर भेजे, अगर पैसे की कहीं दिक्कत है तो चीफ साहब से बात करे, अगर तब भी बात नहीं बनती तो हम DDO के साथ, एक्शन साहब के साथ चलने के लिए तैयार हैं, जहाँ जरूरत पड़ी हम जाएंगे। मगर आज के बाद कोई डेली वेजर भाई मेरा खाली हाथ घर नहीं जाना चाहिए, कम से कम उसका पेंडिंग उस दिन उसके हाथ में होना चाहिए, फिर अगर वो घर जाता है बाकी की लड़ाई फिर अगर लड़ेगा उसका जो भी हक है उसी के आ रहा था। देखिए जैसे ये 2-3 कुछ मामले सामने आए हैं, कोई रिटायर्ड होता है और वो सुसाइड कर लेता है, या फिर कई बार कई इंसिडेंट हो जाते हैं, क्या जब पॉलिसी बनेगी तो इस पे भी बात की जाएगी, इस पे भी चर्चा की जाएगी कि जिनके, अब देखिए जिसकी 2 बेटियां अपाहिज हैं वो बच गई हैं पीछे, कमाने वाला कोई नहीं है, क्या इस पे भी? हमने 3 जगह बात रखी है, एक जो खाली हाथ घर चला जाता है, एक जिसकी डेथ हो जाती है, एक जिसने अपनी जमीन डिपार्टमेंट को दी हुई है, इन तीनों बातों पे हमारी बात चल रही है। इन इन लोगों को जिसकी डेथ हो गई है, खाली हाथ घर चला गया, कम से कम 10-10 लाख रुपए उसके घर परिवार को मदद मिलनी चाहिए, जिसने जमीन दी है उसको पॉलिसी मिलनी, पॉलिसी के तहत उसको परमानेंट करना चाहिए प्रशासन।